हेलो बच्चों, आज हम लेसन 12 प्राकृतिक जो संसाधन हम पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। कल आपको झूम खेती के बारे में बताया था कि वनों को हमको किस क्यों बचाना है, वन हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं, तो हमको वनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, वन संरक्षण और प्रबंधन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वन क्यों खत्म हो रहे हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें झूम खेती है, एक जैसे फर्नीचर के से एक जीरूपता वाले पेड़ों को उगाना, उनको नष्ट करना। तो वनों के नष्ट होने के बहुत सारे कारण थे, लेकिन वनों के संरक्षण के क्या उपाय हैं, हमको वनों को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट आपकी बुक में दे रखे हैं, 5-6 महीने लिख रखे हैं, बाकी आप पढ़ लेना। वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए। वन काटने में वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, यानी जितनी आवश्यकता हो तभी उतने ही पेड़ काटने चाहिए। और दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि वन काटने में वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, यानी जितने वन आपने काटे हैं वो सॉरी पेड़ काटे हैं उतने ही पेड़ों को वापस लगाना चाहिए। वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। कई बार आप पढ़ते हो जंगलों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है, तो आगों से आग जो लगती है उससे क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। वनों की हानिकारक कीटों से दवा छिड़ककर सुरक्षा की जानी चाहिए। कुछ कीट होते हैं हानिकारक जो पेड़ों को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनमें दवा छिड़ककर उन हानिकारक कीटों से सुरक्षा करनी चाहिए। या आपको कोई रोगग्रस्त जैसे पेड़ है वनों में, उस पेड़ को उखाड़ देना चाहिए वहाँ से या हटा देना चाहिए। विविधतापूर्ण वनों को एक रूपतापूर्ण वनों से अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विविधतापूर्ण वनों से एक रूपतापूर्ण वन का मतलब है कि ऐसे वनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ हों, जैसे सागवान का भी हो, खेजड़ी का भी हो, बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे हमने 14वें लेसन में पढ़े थे फर्नीचर दरवाजे खिड़कियाँ जिनसे बनाई जाती है, बहुत सारे अलग अलग पेड़। तो ऐसे नहीं केवल जिनकी इमारती लकड़ियाँ हैं केवल हम उन्हीं पेड़ों को उगाते जाएँ, सभी तरह के पेड़ों को उगाना चाहिए। इसके बाद वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। जो वन काट रहे हैं अंधाधुन उन पर क्या करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। वन झूम पद्धति की वृद्धि पर कृषि पर रोक लगानी चाहिए। मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था कि झूम खेती क्या होती है, तो इसमें क्या कर रहे थे, वो जंगलों को साफ कर रहे थे, जलाकर छोड़ रहे थे, फिर 2-3 साल खेती कर रहे थे, फिर आगे जंगलों को साफ कर रहे थे। तो इस तरह की जो कृषि है उस पर क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। वन संरक्षण के नियमों का कड़ाई से अनुपालना होनी चाहिए। जो कानून बनाए गए हैं वनों के संरक्षण के लिए, पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को बचाओ, उनकी सुरक्षा करो, तो इस तरह के जो कानून या नियम बनाए गए कानूनी नियम उनकी कड़ाई से क्या होनी चाहिए, अनुपालना होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक वनी। सामाजिक वनी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम भी अपने घरों के आसपास पेड़ लगा सकते हैं, खाली जो जगह पड़ी है उसमें पेड़ लगाना, बहुत सारे जैसे फलों के पेड़ लगा लिए, लकड़ियों के जिसे प्राप्त हो रही हैं उनके पेड़ लगा लिए, सब्जियां लगा ली अपने जैसे गार्डन के अंदर, तो इस तरह की जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम, यानी लोग लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। यानी अपने आसपास पेड़ों को लगाना, कोई भी खाली जगह दिख रही है वहाँ पर पेड़ लगाना, घरों के आसपास लगा दिए, सड़क के किनारे पर पेड़ लगाना, नहर बनाए उनके आसपास नहर के किनारे पर पेड़ लगाना, इस तरह की जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी कहते हैं। इसके क्या क्या घटक है, कृषि वानिकी, जैसे खेत है, कृषि वानिकी का मतलब क्या है, खेत तो लगाते ही हैं, जैसे खेत वो के चारों तरफ जो जगह होती है जिसको मुंडेर कहते हैं, खेत के चारों तरफ उसमें क्या लगानी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, इसको हम कहते हैं कृषि वानिकी। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पतालों आदि में वृक्षारोपण करना, यानी नहरों के किनारे पर पेड़ लगाना, सड़कों के किनारे पर पेड़ लगाना, जैसे अस्पताल है उसके चारों तरफ पेड़ लगाना जो जगह बची हुई है। ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण करना, जो सार्वजनिक भूमि जैसे पार्क है, अस्पताल है, जो भी चीज़ें हैं सार्वजनिक जो भूमि है वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो क्या करना, उनके द्वारा पेड़ लगाना, तो ये क्या है, सामाजिक वानी। तो अभी हमने वनों के बारे में, वनों के संरक्षण के उपाय, वनों से हमको क्या लाभ है, हमको वनों को किस तरह से बचाना है, इसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ रहे हैं वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण इस टॉपिक में ये बताया गया है कि हमारे देश में बहुत सारी पशु पक्षियों की जो जातियाँ हैं वो क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। क्यों होती जा रही हैं, क्योंकि वनों को हम नष्ट कर रहे हैं,
उनकी जो शरण स्थली है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। तो कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, कुछ विलुप्त होने की कगार पर हैं, कुछ विलुप्त हो चुकी हैं, कुछ संकटग्रस्त हैं। तो हमको इनको किस तरह से बचाना है, वन्य पशु पक्षी जो वन्य में रहने वाले पशु और पक्षी हैं उनकी जातियों को बचाने के लिए हमको क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो वन संरक्षण में कि भारत में बहुत सारी वन्य पशु पक्षियों की जातियाँ पाई जाती हैं। तो जैसे इसमें दे रखा है भारत में कुल मिलाकर स्तनधारियों की 500 जातियाँ हैं, पक्षियों की 1200, सर्पों की 220, छिपकलियों की 150, कछुए की 30, मगर व घड़ियाल की 30, गुभ्यचरों की 142, इसके अलावा अलवणीय जल की मछलियों की 150 और अकशेरुक जंतुओं की हजारों जातियाँ पाई जाती हैं। तो इतनी सारी जातियाँ भारत में पाई जाती हैं। लेकिन आजकल हमारे देश में कि कुछ जातियाँ क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो इनको किस तरह से बचाना है इसके बारे में, वनों के संरक्षण के बारे, वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त क्यों होते जा रहे हैं, इनके विलुप्त होने का क्या कारण है, जो वन्य जीव हैं वो विलुप्त क्यों हो रहे हैं। तो पहला तो वो ये प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। तो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास क्या है, वन है, उनको नष्ट कर रहे हैं। तो नष्ट होने के कारण हम वन में पड़ लिए हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, रहने के लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए, तो वनों को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा वाहन हो गए हैं तो सड़कों को क्या किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है। तो सड़कों को चौड़ा करने के लिए जो उसके आसपास जो पेड़ लगे हुए हैं उनको काट रहे हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक आवास क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। तो जब प्राकृतिक आवास नष्ट होंगे तो वन्य जीव अपने आप क्या होंगे, नष्ट होंगे। वन्य जीवों का अवैध शिकार, जो शिकार कर रहे हैं वन्य जीवों का, उससे भी क्या हो रहे हैं, वन्य जीव क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। प्रदूषण, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ काटेंगे तो पॉल्यूशन तो अपने आप बढ़ेगा। पेड़ जो है वो क्या करते हैं, वनों में जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बना रहे हैं, संतुलन। जब वन काट रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इतने मोटर गाड़ियाँ चल रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है। तो प्रदूषण से भी वन्य जीव, कई पक्षी जो हैं, पशु पक्षी हैं, वो क्या होने, विलुप्त हो रहे हैं। मानव तथा वन्य जीवों में संघर्ष, तो वन्य जीवों के साथ जैसे कोई वन्य उनका आवास खत्म हो गया है तो जो जीव जंतु हैं वो क्या हो रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, तो जो मनुष्य है उनको देखते ही क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये चार पाँच कारण हैं जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या हैं, कारण हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण 1952 से 1972 तक राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत होता था। तो वन्य जीव संरक्षण जो बनाया गया था 1952 से 1972 तक। लेकिन विश्वव्यापी चेतना के कारण 1948 में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN की स्थापना की गई। तो पूरे वर्ल्ड में कि किस तरह से वन्य जीवों को बचाना है हमको, इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम है IUCN। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कि किस तरह से नेचर में, इंटरनेशनल का मतलब पूरे विश्व में, कि हमको किस तरह से इस नेचर को कंजर्व करना है, इसका गठन हुआ। इसमें विलुप्ति के कगार पर पहुंची हुई जातियों को एक पुस्तक में संकलित किया गया है जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि विलुप्त हुई जातियों को कौन सी पुस्तक में रखा गया है, रेड डाटा बुक इसके अंदर रखा गया है। अब इसमें भी जातियों को कितने भागों में बांटा गया है, विलुप्त संकटग्रस्त जातियाँ, विलुप्त जातियाँ, तो ये सारी जो 5 प्रकार की जातियों में बांटा है IUCN ने, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो आपको पढ़ाया उसमें क्वेश्चन नंबर पहला करना है आपको, वनों के संरक्षण के उपाय बताइए, तो 4-5 उपाय करने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण है। तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हैं लेकिन बुक में आपका इसका थोड़ा सा डिटेल से वो आपको लिखना है। और चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है IUCN का पूरा नाम बताइए। और लास्ट क्वेश्चन आपको करना है कि विलुप्त के कगार पर पहुंची हुई जातियों को किस पुस्तक में संकलित किया गया है, तो उसका नाम है रेड डाटा बुक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।